आप देख रहे हैं YouTube चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में मिन्नतुल्ला नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। मिन्नतुल्ला किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? मिन्नतुल्ला के माने क्या है? मिन्नतुल्ला नाम का मतलब क्या है? मिन्नतुल्लाह में कितने हरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? मिन्नतुल्लाह इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? मिन्नतुल्लाह हिंदी में कैसे लिखा जाता है? मिन्नतुल्लाह उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? मिन्नतुल्लाह उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिन्नतुल्लाह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और दो लफ्ज़ों का मरकब है, मिन्नत और अल्लाह। मिन्नत के माने हैं एहसान और अल्लाह अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है। तो मिन्नतुल्लाह का माने हुआ अल्लाह का एहसान, अल्लाह की इनायत, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का फ़ज़ल। मिन्नतुल्लाह में 8 हरूफ हैं, मीम डबल नून ते, अलिफ डबल लाम हे। ये इंग्लिश में मिन्नतुल्लाह लिखा है, ये हिंदी में मिन्नतुल्लाह लिखा हुआ है। मिन्नतुल्लाह उर्दू में लिखने का आजकल दो तरीके हैं, एक कीबोर्ड के ज़रिए जिसमें उर्दू के तमाम हरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें मिन्नतुल्लाह लिखना है तो सबसे पहले मीम को टच करेंगे, फिर उसके बाद नून को टच करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे नून की जगह पर तशदीद को टच करेंगे, फिर उसके बाद ते को टच करेंगे, फिर उसके बाद अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद लाम को टच करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे लाम की जगह पर तशदीद को टच करेंगे और फिर खड़ा जबर को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में हे को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह मिन्नतुल्लाह लिखा हुआ आ जाएगा। मिन्नतुल्लाह लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में मिन्नतुल्लाह लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले इनके नाम देखें और इनको याद रखें। नंबर 1, मीम। नंबर 2, नून। नंबर 3, दोबारा नून। नंबर 4, ते। नंबर 5, अलिफ। नंबर 6, लाम। नंबर 7, दोबारा लाम खड़ा ज़बर के साथ। ये देखिए क्या लिखा हुआ, खड़ा ज़बर कहते हैं इसको। नंबर 8, हे। नंबर
ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं, और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे मीम आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, नून आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, और जब कभी उर्दू में एक ही जगह एक हर्फ पर डबल लिखा जाता है तो उसके लिए ये इस तरह का निशान लगाते हैं, और इसको कहते हैं तशदीद। और ये ते कहाँ लिखेंगे? लाइन पर ही। अलिफ कहाँ लिखा जाता है? लाइन के ऊपर। लाम कहाँ लिखा जाता है? आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे। हे कहाँ लिखते हैं? आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हरूफ तहजीबी कहते हैं, और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे मीम इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, और नून इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, और ते यहाँ पर फुल लिखेंगे, अलिफ यहाँ पर फुल लिखेंगे, लाम इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, और दूसरे लाम की जगह पर क्या बताया, ये तशदीद लिखेंगे, और इसके ऊपर ये खड़ा दबर आएगा, और ये हे इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे। तो एक मर्तबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा, मीम। इसके नीचे क्या लगाया? जेर। ये क्या लिखा? नून। और दूसरे नून की जगह पे ये क्या लिखा? तशदीद। और फिर ये क्या लिखा? ते। तो ये, और फिर ये क्या लिखा? अलिफ। और ये क्या लिखा? लाम। और दूसरे लाम की जगह पे ये क्या लिखा? तशदीद। और इसके ऊपर ये खड़ा जबर लगाया, और ये क्या लिखा? हे। तो ये क्या हो गया? मिन्नतुल्लाह। इस पे पेश लगा दे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, मिन्नतुल्लाह। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।